फ्रेंड्स, वेलकम टू SH फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लाई हूँ, जिसको आप बॉर्डर पर बना सकते हो। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगाया हुआ है, इसको आप बॉर्डर पर बना सकते हो। बटन पट्टी पर देखिए, इस तरह से बना सकते हो, या आप जेंट्स फुल स्वेटर में इसको डाल सकते हो, हाफ स्वेटर में डाल सकते हो, और लेडीज फुल कार्डिगन पे बना सकते हो, बच्चों की बेबीज फ्रॉक पे बना सकते हो, किसी पर भी बनाइए, सब में ही ये प्यारा लगने वाला डिजाइन है। और सबसे बात इजी बात इसकी ये है, सिर्फ एक रो का ये पैटर्न है, और हर एक रो के बाद हम यही डिजाइन रिपीट करती हैं, और बनाने में बहुत ही आसान है ये, तो ट्राई करके जरूर देखिएगा। सीधा बढ़ते हैं ट्यूटोरियल पे। अगर आपको डिजाइन और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ऐसे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती। डिजाइन को बनाने के लिए आपने 6 से गुणा करके फंदे रखने हैं और प्लस कर लेना है 4। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पर लगाए हैं 16 स्टिचेस, 16 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं। 16 फंदों में मैं आपको डिजाइन डालकर बताऊंगी। देखिए, ये हमारी रो 1 है राइट साइड से, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको यही रो रिपीट करनी है बार बार। तो देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा, अब उसके बाद हम धागे को आगे लाएंगे अपनी तरफ, पहली रो है सीधी तरफ से, एक फंदा सीधा उतारा और उसके बाद धागे को आगे लाएंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से। देखिए, दो फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, अब एक फंदा हम यहाँ पर स्लिप करेंगे, जैसे हम उल्टा बनाते हैं उसी तरह से हम स्लिप करेंगे, और आगे वाला फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर देखिए, हम जाली यहाँ पर डालेंगे, जाली डालने के लिए हम धागे को यूं घुमाएंगे, धागे को आपने आगे नहीं लाना है, धागे को आपने इस तरह से घुमाना है। और फिर देखिए, जो फंदा हमने बिना बुना उतारा, स्लिप किया जो फंदा, उसको हम ये जो जाली डाली और इसके साथ जो एक फंदा सीधा बनाया है, उसके साथ हमने ऊपर से उतार देना है इस तरह से। हम ये फंदा उतार देंगे, फिर देखिए यही हम रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा ऐसे ही बिना बुना उतारा, स्लिप किया जैसे हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, और आगे वाला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागे को यूं घुमाएंगे और ये स्लिप किया हुआ फंदा इनके ऊपर से यूं उतार देंगे इस तरह से। देखिए, ये हमने हमारा रिपीट भी यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, यहां से फिर से हमारा रिपीट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया था, धागे को आगे लाएंगे, दो फंदे हम पहले उल्टे बनाएंगे, 1 2, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको यही बार बार रिपीट करना है, दो फंदे उल्टे बनाए, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, आगे वाला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागे को यूं घुमाएंगे, और ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है ये हम दो के ऊपर से यूं उतार देंगे, फिर से फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, और धागे को पहले हम यूं घुमाएंगे, फिर हम ये स्लिप किया हुआ फंदा इनके ऊपर से यूं उतार देंगे। ये धागा आपने खींच के रखना है और तब आपका ये फंदा इजीली उतर जाएगा। तो इस तरह से देखिए, देखिए यही आपने बार बार रिपीट करना है पूरी रो में, और लास्ट में देखिए आपके पास बचेंगे तीन फंदे, दो हम ये उल्टे बनाएंगे, 1 2, और एक फंदा लास्ट का सीधा। तो इस तरह से देखिए, रो 2 है रॉन्ग साइड से, तो पूरी रॉन्ग साइड की रो में हम पूरे फंदे उल्टे ही यहाँ पर बनाएंगे, इस तरह से हम सारे फंदे ये उल्टे बनाएंगे। अब देखिए, रॉन्ग साइड से रो कंप्लीट कर ली है, देखिए रो 3 है, अब यही पहली रो हमने रिपीट करनी है, और रॉन्ग साइड से सारे फंदे हमने हर रो में उल्टे ही बनाने हैं, जो उल्टी तरफ आएगी हम आ रही हमने वहां पर सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं, और जो सीधी तरफ है वहां पर हमने रो 1 ही रिपीट करनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा बना करके ये बता देती हूँ किस तरह से। देखिए, थोड़ी सी रो मैंने यहाँ पर बनाई है, ये देखिए इस तरह से डिजाइन आएगा, बहुत ही खूबसूरत सा बन कर ये आता है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। और देखिए, अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हो, कार्डिगन पे बनाना चाहते हो अपने, तो आपने बटन पट्टी के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 9 फंदे ये रखे हैं, उसके बाद मैंने ये डिजाइन, आप यहाँ पर कुछ भी डिजाइन डाल सकते हो, मैंने ये वाला डिजाइन डाला है, आप जो मर्जी डिजाइन यहाँ पर डाल सकते हो। इस तरह से 9 फंदे रखने हैं। अगर आप 9 इससे चौड़ी बटन पट्टी बनाना चाहते हो तो आप 15 स्टिचेस बटन पट्टी के लिए रखिएगा।
तो इस तरह से देखिए, आप बना करके जरूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा बनता है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने रो वन राइट साइड से रो वन नहीं रिपीट करनी है, और रॉन्ग साइड से पूरी रो आपकी उल्टी ही पड़ेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।